स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ गीतु चौहान। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया है। एक तरफ जहां सीएम भूपेश लगातार जनसभाएं कर हर जिले का नब्ज टटोल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों के भरोसे है। शायद यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं और केंद्रीय योजनाओं को गिना रहे हैं। तो सवाल काफी हैं और केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे के मायने क्या है, ये भी एक बड़ा सवाल है। सरकारी योजनाओं की निगरानी या 2023 की तैयारी से माना जाए, केंद्रीय नेतृत्व के भरोसे क्या छत्तीसगढ़ बीजेपी है, केंद्रीय मंत्री लगाएंगे क्या 2023 में बीजेपी का बेड़ा पार, तमाम तरह के सवाल हैं जिन पर चर्चा होगी। लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। ۲۰۲۳ में छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव होने हैं। करीब डेढ़ साल का वक्त बाकी है। इससे पहले सूबे के सभी सियासी दल चुनावी मोड में आ चुके हैं। एक तरफ जहां सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए प्रदेश की जनता को साधने में जुटे हैं, तो वहीं बीजेपी केंद्रीय मंत्रियों के भरोसे है। शायद यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय मंत्री लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। दरअसल दो केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। किरेन रिजिजू और स्मृति ईरानी छत्तीसगढ़ दौरे पर आए हुए हैं। दोनों केंद्रीय मंत्रियों ने बीजेपी मुख्यालय में बैठक की, चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। स्मृति ईरानी ने केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की, तो वहीं किरेन रिजिजू ने इनकम टैक्स ऑफिस का उद्घाटन किया। छत्तीसगढ़ सरकार को बोलिए कि केंद्र सरकार ने जो ड्यूटी खत्म किए हैं, यहाँ के जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना स्टेट का जो लगा के रखा है टैक्स ड्यूटी लगा के रखा है उसको कम करें, ताकि छत्तीसगढ़ के लोगों को राहत मिले, उनको फायदा मिले। ये आप लोगों को पूछना चाहिए छत्तीसगढ़ के सरकार को। ऐसा नहीं है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये केंद्रीय मंत्रियों का पहला छत्तीसगढ़ दौरा है। इससे पहले भी कई केंद्रीय मंत्री छत्तीसगढ़ का दौरा कर चुके हैं। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने महासमुंद का दौरा किया था, तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया राजनांदगांव पहुंचे थे। अर्जुन राम मेघवाल ने बस्तर का दौरा किया था। नित्यानंद राय बीजापुर दौरे पर आए थे, तो वहीं महेंद्रनाथ पांडे ने नारायणपुर का दौरा किया था। केंद्रीय राज्य मंत्री देव सिंह चौहान दंतेवाड़ा आए थे। भानु प्रताप सिंह ने कांकेर जिले का दौरा किया था। केंद्रीय मंत्रियों के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने बीजेपी पर निशाना साधा है। कहा है छत्तीसगढ़ को लक्ष्य करके केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है, लेकिन महंगाई को लेकर उनके पास कोई जवाब नहीं है। मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को लक्ष्य करके लगातार केंद्रीय मंत्रियों का दौरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी आदरणीय पुरंदेश्वरी जी, आदरणीय शिव प्रसाद जी सहित केंद्र के मंत्री लगातार आ रहे हैं, लेकिन उनके पास कोई जवाब नहीं। आज मैं मीडिया में देख रहा था, महंगाई के बारे में जब केंद्रीय मंत्रियों से विशेष रूप से आदरणीय रिजिजू जी से जब पूछा गया, तो वो जवाब देने से उन्होंने इनकार कर दिया, और हो भी नहीं सकता उनके पास जवाब। महंगाई जिस आसमान पे बढ़ रहा है, तो उसके क्या जवाब देंगे। केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ पहुंचना ये साफ कर रहा है कि प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि रायपुर से दिल्ली सभी जमीनी रिपोर्ट नहीं पहुंच रही है। शायद यही वजह है कि सूबे की कमान खुद आला कमान ने संभाल ली है। टीम न्यूज स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, के शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर विमल चोपड़ा बीजेपी नेता हमारे साथ बने हुए हैं, रविंद्र सिंह ठाकुर कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो सवाल काफी बड़ा है, क्योंकि जिस तरह से लगातार केंद्रीय नेता छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, और सवाल यही है क्या इसे केंद्रीय योजनाओं की परख करने के लिए वो यहाँ पहुंच रहे हैं, या फिर इसे 2023 की तैयारी माना जाए। के शर्मा जी, आप क्या मानते हैं, केंद्रीय मंत्री जिस तरह से लगातार आ रहे हैं या केंद्र के नेता जिस तरह से लगातार छत्तीसगढ़ के दौरे कर रहे हैं, इसके मायने क्या हो सकते हैं? देखिए रितु जी, ये पहले क्लियर हो गया था कि छत्तीसगढ़ में कोई नेता चेहरा सामने नहीं आएगा, चेहरे की जगह में मोदी का चेहरा रहेगा, कमल का निशान रहेगा, उसी के आधार पे भाजपा यहाँ पे चुनाव लड़ेगी। तो अपनी चुनावी तैयारी भी उसी ढंग से कर रही है। आप देख रहे हैं खैरागढ़ चुनाव के पहले से ही
जो आकांक्षी जिले हैं उनके एक एक जिले के लिए एक एक केंद्रीय मंत्री आए थे, 8-9 के लगभग केंद्रीय मंत्री उस समय आए थे। उसके बाद लगातार देखिए कि अपने अपने विभाग की समीक्षा को लेकर केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं। आज स्मृति ईरानी जी और रिजिजू जी जो आए हैं तो उनके लेकर भी आज कांग्रेस जो महंगाई को लेकर बात कर रही, कांग्रेस के पास ये है कि केंद्र सरकार के खिलाफ महंगाई का मुद्दा है, जबकि 8 साल में जो विकास कार्य हुए हैं, चाहे स्टार्टअप की बात करें, जनधन की बात करें, चाहे उसमें पानी जल सुरक्षा बीमा योजना है, स्मार्ट सिटी का है, अमृत मिशन योजना, इस प्रकार से तमाम योजनाओं को लेकर जनता को बताने का कोशिश किया जा रहा है कि केंद्रीय योजनाओं की राशि से ही छत्तीसगढ़ का विकास हो रहा है, जबकि राज्य सरकार लगातार आरोप लगा रही है कि 42-43 हजार करोड़ रुपए हमको वहां से लेना है केंद्र से, जो अभी तक नहीं मिल पा रहा है ये, और जो विकास कार्य हो रहा है राज्य सरकार के कार्यों से हो रहा है, और राज्य सरकार अपने स्थानीय मुद्दों को लेकर जिसे नरवा गुरुआ गरुआ बारी इन सब योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास आत्मनिर्भरता के माध्यम से जिस तरह कदम आगे बढ़ाई है, तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार के मुद्दों को लेकर के और राज्य सरकार अपने मुद्दों को लेकर के आगे आ रही है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण यह है कि भाजपा के खिलाफ जो बार बार जो कांग्रेस आरोप लगाती थी 15 साल में क्या हुआ, तो 15 साल में आपने क्या किया, इसका भी इस बार 15 साल बनाम 5 साल इसका भी ये चुनाव में परिणाम देखने को मिलेगा, और देखेंगे कि केंद्र की केंद्रीय नेतृत्व जिस तरह मोदी जी के नेतृत्व में विभिन्न तमाम योजनाएं चल रही है, चाहे उज्ज्वला हो, ये सब योजनाओं को लेकर के जनता के बीच जा रहे हैं, छत्तीसगढ़ की जनता को ये बताने का जी। आज जैसे महंगाई को लेकर जवाब दिया कि 1 लाख करोड़ रुपए जो है राज्य केंद्र सरकार वहन कर रही है रेट कम करने को लेकर के, बिल्कुल तो एक्साइज ड्यूटी जो कम की गई है, तो छत्तीसगढ़ बिल्कुल सरकार के शर्मा जी, तो कई योजनाएं केंद्र की तरफ से चलाई जा रही है, और डॉक्टर विमल आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल जिस तरह से केंद्रीय योजनाएं चलाई जा रही है क्या वो पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में लागू हो रही है? देखिए ऐसा है, केंद्र सरकार की योजनाएं उसका क्रियान्वयन जो है राज्य सरकार को करना है, और हमारे जो मंत्री आ रहे हैं वो इसका सुपरविजन कर रहे हैं कि काम हो रहा है जी। और ये हर सरकार का और हर दल का कर्तव्य है कि वो जो योजनाएं बनाती है उसका निरीक्षण करे, उसके बारे में जानकारी ले और सही सही उसका क्रियान्वयन हो। आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना जो है जिसमें करीब करीब 16 लाख मकान जो है इस सरकार के अकर्मण्यता के कारण वापस हो गए, क्योंकि इस सरकार ने अपना हिस्सा जमा नहीं किया, और लगातार देखने में आ रहा है चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो जिसकी भी जांच चल रही, घटिया सड़कें बन रही है, आप जल जीवन मिशन देख लीजिए जिसके लिए केंद्र सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए पहले दे दिया है, लेकिन वो भी योजना जिस गति से होना चाहिए नहीं हो पा रही है। ऐसे केंद्र सरकार की योजनाएं जो है, 3 मेडिकल कॉलेज जो है छत्तीसगढ़ को दिए गए एक उपहार के रूप में केंद्र के द्वारा, लेकिन 2 मेडिकल कॉलेज 2 साल के बाद भी आज भी मान्यता प्राप्त नहीं कर सके हैं। और जहां तक आप बेरोजगारी की बात देखेंगे, विधानसभा में सरकार का कहना है कि हमने 3.5 साल में 16,000 लोगों को रोजगार दिया, और बाहर ये पोस्टर लगाते ही 5 लाख लोगों को रोजगार दिया, तो विधानसभा में झूठ बोल रहे हैं कि ये पोस्टर में झूठ बोल रहे हैं? आप देखिए कि बीटीआई ग्राउंड में आत्मानंद स्कूल के लिए 50-45 पदों के लिए आवेदन होता है और 5,000 से ज्यादा लोग जो है आवेदन करते हैं। बेरोजगारी किस हद तक है इस शासन में यह आपको देखने मिल सकती है कि वहां किसी प्रकार की व्यवस्था जो है वो नहीं हो रही है। नरवा गरवा घुरवा बाड़ी आप देख लीजिए इसकी क्या हालत है जाकर के, ना तो आपको कहीं गाय मिलेगी, ना कोई नरवा जो है उसको बांधा गया है, ना कोई घुरवे का उपयोग हो रहा है और ना किसी को बाड़ी के लिए जगह दी गई है। वर्मी कंपोस्ट के नाम पर किसानों को मिट्टी दी जा रही है कि गोबर को सुखा करके बोरे में भर करके 1-1 हजार रुपए हर किसान से वसूला, जबरदस्ती वसूला जा रहा है, जबकि किसान कह रहा है कि हमको मार्केट में 5 रुपए में बढ़िया वर्मी कंपोस्ट मिल रहा है, आप क्यों इसको हमको 10 रुपए में 2 रुपए की गोबर खरीद के किसानों के साथ ये अत्याचार क्यों कर रहे हैं? पेट्रोल और डीजल की जहां तक बात है, 2 बार में लगभग केंद्र सरकार ने 20 रुपए कम की कीमत, लेकिन राज्य सरकार ने 1 रुपए कीमत कम करने का प्रयास नहीं किया। राज्य सरकार बोलती है कि हमको 500 करोड़ रुपए का सालाना घाटा जो है पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने से हो रहा है। 500 करोड़ रुपए आपने जब कमाया कि जब दाम बढ़े तो 500 करोड़ रुपए आपके खजाने में आया, तब आप आरोप लगाते थे कि ये केंद्र सरकार रेट बढ़ा रही है। आप अपने करों को प्रतिशत के हिसाब से बढ़ा रहे हैं। 500 करोड़ रुपए आपने खजाने में जब दाम बढ़े तब अपने खजाने में डाला, उस समय आपने प्रतिशत के हिसाब के बजाय जीएसटी, ये तो नहीं कहा कि हम
20 रुपए ही जीएसटी लेंगे, चाहे दाम कितना भी बढ़े। आपके भी बहुत सारे सवाल हैं विमल जी, और वहीं कांग्रेस ये आरोप लगाती रही है कि केंद्र सपोर्ट नहीं करता है और अगर कुछ सहायता मांगी जाती है वो पूरी नहीं होती है। रविंद्र जी, आपको क्या कहना है, क्योंकि लगातार जिस तरह से केंद्रीय योजनाओं की बात की जा रही थी उन्हें कहीं ना कहीं साइडलाइन किया जा रहा है, ऐसा बीजेपी लगातार कहती रही है। देखिए, विपक्ष में है, आरोप लगाना उनका काम है, मगर वास्तविकता ये है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी में वो चेहरा नहीं है कि उनके चुनावी समर को नैया पार करा सके, इसलिए वो केंद्र के तरफ मुंह ताके हुए हैं, वहाँ के मंत्री आके इनको सहारा दे रहे हैं। मगर छत्तीसगढ़ में किसान पुत्र भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री है, हमारे सभी सम्मानित मंत्री है, वो जनता के बीच है, लगातार जनता के बीच जा रहे हैं। आप देखे होंगे कि किसानों को चाहे ऋण माफी की बात हो, चाहे बोनस की बात हो, चाहे वनांचल क्षेत्र के लोगों को लाभान्वित करने की बात हो, और साथ में बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो, शिक्षा के क्षेत्र में आत्मानंद स्कूल की बात करें, तो चारों तरफ जो छत्तीसगढ़ में विकास की धारा प्रवाहित हो रही है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी वालों के पेट पर दर्द होना स्वाभाविक बात है। मगर हम ये बता देना चाहते हैं कि केंद्र सरकार ने वाकई आम जनता को छला है, अपने वादा को पूरा नहीं किए है। गैस, पेट्रोल, डीजल से लेकर खाद्य सामग्री तक महंगाई का जो दौर चल रहा है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। वही हमारे प्रदेश में चारों तरफ विकास की धारा प्रवाहित हो रही है, किसान बहुत प्रसन्नित है, आने वाला समय में उनका आशीर्वाद मिलेगा ऐसा हमें उम्मीद है। पूरे छत्तीसगढ़ में कम से कम 70% वादा जो जनता के सामने चुनाव के पूर्व किए थे वो पूरे हो गए हैं, कुछ वादे बचे हैं, हमारे पास 1.5 साल समय है, उसको निश्चित ही पूरा कर दिया जाएगा और छत्तीसगढ़ के किसान और आम जनमानस का हमें प्यार और सम्मान पूरा मिलेगा, ये हमें विश्वास है। जी के शर्मा जी, तो आप क्या मानते हैं, जिस तरह से लगातार अब यही उलझन सभी के बीच रहेगी कि केंद्रीय योजनाएं हैं उनका लागू नहीं हो पा रहा है, वहीं कहीं ना कहीं प्रदेश सरकार कह रही है केंद्र से जो उम्मीद लगाए वो बैठे थे कि सपोर्ट दिया जाएगा वो नहीं मिल पा रहा है, यानी अब इस तरह की राजनीति होती हुई दिखाई देगी, लेकिन जनता इस बीच काफी समझदार है और जो जनता के लिए काम करेगा जनता उसको ही वोट करेगी। देखिए ऋतु जी, छत्तीसगढ़ में केंद्रीय योजनाओं किस ढंग से लागू हो रही इसका अभी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं लेकिन अभी उनकी बात नहीं हो रही है कि कितने काम हुआ। आकांक्षी जिलों की बात मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम खर्चा कर रहे हैं, तो आकांक्षी जिलों की स्थिति क्या है ये भी एक समीक्षा की बात रही। दूसरा चीज है महंगाई दर, निश्चित रूप से भाजपा शासन काल में अभी 8 साल में हम देखें तो सबसे ज्यादा है, तो महंगाई उनके लिए एक चुनौती का विषय है। लेकिन जो पेट्रोल डीजल का रेट कम करने के बाद 1,00,000 करोड़ की जो केंद्र सरकार अपने पर बात कर रही, आज जो स्मृति ईरानी जो इसका जवाब देने का प्रयास की जबकि उसी का चेहरा लेकर के कांग्रेस प्रदर्शन करते थे, आप जब विरोध में थे तो आप किस ढंग से साइकिल में चलते थे, कैसे महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री और मंत्रियों का जो विचार था उसको लेकर के। बेरोजगारी की जहां तक बात है तो अभी तक के आंकड़े में सीएमआई की रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ में 0.07% की महंगाई दर जो है ये इसको लेकर के छत्तीसगढ़ अपने ग्रामीण विकास के माध्यम से जो योजनाएं चला रही है आत्मनिर्भरता, चाहे वो गोबर खरीदी की बात हो चाहे वनोपज खरीद, जिसके कारण ये अपना श्रेय लेने की बात कर रहे हैं, लेकिन भाजपा इसको नकार रही है कि बेरोजगारी के दर, जैसे डॉक्टर साहब अभी चोपड़ा जी बोल रहे हैं कि जिस तरह से महंगाई को बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में है वो आंकड़े को वो झुठलाने का प्रयास कर रहे हैं, उसी तरह से लेकर के अब महंगाई और बेरोजगारी के साथ छत्तीसगढ़ में जो विकास के काम भूपेश बघेल ने किए वो, और दूसरी तरफ जो है केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसके साथ केंद्रीय नेताओं में अभी हम देखेंगे तो केंद्र में सरकार है तो उनके पास कांग्रेस के पास अभी नेताओं की भरमार है केंद्र की योजनाएं बताने की बात है, लेकिन छत्तीसगढ़ में भाजपा की स्थिति कितनी खराब है, 14 विधायक और 71 विधायक की स्थिति है, और यहाँ के सांसदों को सक्रिय करने की बात आ रही, भाजपा के सांसद 9 सांसद है तो उनको सक्रिय करने की बात आ रही है, महिला मोर्चा को लेकर के हो चाहे युवा मोर्चा को लेकर सभी को सक्रिय करके भाजपा किसी तरह मैदान में आने का प्रयास कर रही है। तो यहाँ पे देखेंगे भूपेश बघेल ने अपनी नीति के तहत अपनी योजनाओं के तहत जिस तरह से सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया है उसका जवाब भाजपा को देने के लिए लगभग वरिष्ठ राष्ट्रीय नेता आएंगे, और लेकिन कांग्रेस में जो वरिष्ठ नेताओं का मुझे लगता है कि उस ढंग से सहयोग नहीं मिल पाएगा जितने यहाँ पे भूपेश बघेल और स्थानीय नेताओं को ही कमर कस के तैयार रहना पड़ेगा, जबकि आक्रमण जो है भाजपा का आक्रमण चौतरफा दिखने वाला है 2023 के चुनाव में, ये कहा जा सकता है। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात जो है चुनाव में रहेगा घोषणा पत्र को लेकर, कांग्रेस का घोषणा पत्र अभी तक भूपेश बघेल ये कह रहे हैं कि 2800 रुपये से ज्यादा हम धान का समर्थन, धान का
बोनस सहित राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिए और समर्थन मूल्य मिला के उससे ज्यादा राशि हम देंगे। तो अभी ये देखना है कि पिछले समय भी जब 2500 की बात हुई थी तो भाजपा यहाँ तक नहीं पहुंच पाई थी अपने घोषणा पत्र में, तो इस बार क्या वहां तक पहुंचेगी? जो लोगों को जो एक आशा बनी हुई है कांग्रेस से इतना मिल रहा है, तो भाजपा आएगा तो हमको क्या राशि मिलेगी? यह भी एक बात है, किसानों के हित को लेकर के 2 साल का जो बोनस की नहीं दिए हैं, वो जो घोषणा पत्र लागू नहीं किए कांग्रेस, वो तो चाहे शराब की बात हो चाहे 2 साल बोनस की, वो कांग्रेस के खिलाफ है। लेकिन जो घोषणा पत्र पूरा कर दिए हैं, जैसे ऋण माफी का है या धान की खरीदी का मूल्य समर्थन मूल्य के, वनोपज जो है 7-8 से लेकर के 65 तक वनोपज के समर्थन मूल्य पर खरीदी की बात आ रही, तो इन सबको देखते हुए भाजपा को एक विस्तृत रणनीति बनानी पड़ेगी, खासकर छत्तीसगढ़ को लेकर के, जो उस तरह से राजस्थान और छत्तीसगढ़ उनके टारगेट में है। जी हेलो विमल जी, तो जिस तरह से हम सवाल ये पूछ रहे हैं कि लगातार जिस ये योजनाएं चल रही हैं और इन्हें मॉनिटर भी किया जा रहा है, केंद्रीय मंत्री विजिट कर रहे हैं छत्तीसगढ़ को, और सवाल यही उठ रहा है कि क्या छत्तीसगढ़ में ऐसे नेता नहीं है जो वो देख सकें, या फिर लगातार जो बाहरी नेता हैं वो एंटर कर रहे हैं, कोई भी रिप्रेजेंटेटिव ऐसा नहीं है छत्तीसगढ़ में, कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसे मौका दिया जा सके? देखिए ऐसा है, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के पास छत्तीसगढ़ के भी नेता हैं और हमारे पास देश भर के घूमने वाले, देश भर में जाने पहचाने नेता भी है जिनकी अपील है। आप ये बताइए कांग्रेस के लोगों के पास कौन से नेता हैं देश में? क्या ये राहुल गांधी को ला करके यहाँ चुनाव लड़ेंगे? क्या प्रियंका गांधी को और सोनिया गांधी को ला करके चुनाव लड़ेंगे? ये डरते हैं कि हमारा यदि केंद्रीय नेतृत्व यहाँ आ गया तो हम यहाँ चुनाव नहीं जीत सकते, इसलिए भूपेश बघेल जी और कांग्रेस के लोग जो है उनको चुनाव से दूर रखे हैं कि आप मत जाइए यहाँ। यूपी में जो हाल हुआ, जो 5 राज्यों में हाल हुआ वो हाल होगा, इसलिए आप दिल्ली में बैठे रहिए, आप वहीं रहिए, हम कोशिश करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी जैसे, जेपी नड्डा जैसे, अमित शाह जैसे ऐसे नेता हैं जिनकी देश में अपील है, वो लोग आएंगे नहीं क्या? कांग्रेसी बोलते रहे कितना भी, हम लाएंगे उनको, वो आएंगे और कमल छाप के चेहरे पर हम चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। आप ये बताइए, अभी आप भेदभाव का आरोप लगा रहे थे, 61 लाख मीट्रिक टन धान चावल की खरीदी जो है वो पहली बार केंद्र सरकार कर रही है। कांग्रेस की सरकार भी यदि केंद्र में थी तो आज तक उसने नहीं खरीदा। उसना चावल के लिए भी सरकार ने कहा कि आप हमको उसना चावल भी दीजिए, आपकी क्षमता नहीं है उससे ज्यादा जो है, आपकी खरीदी से ज्यादा जो है पूरा का पूरा धान जो है आपका केंद्र सरकार ले रही है चावल के रूप में, और आप भेदभाव का आरोप लगाते हैं। आप 2800 रुपए की आप घोषणा कर रहे हैं, आप ये बताइए, आपने चुनाव के समय कहा था हम 2500 देंगे, उसके बाद से 18 के बाद से 350 रुपए केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य बढ़ाया है, वो समर्थन मूल्य आपने किसानों तक क्यों नहीं पहुंचने दिया? 2850 आज आपको देना चाहिए था, लेकिन आप जो है वो 350 रुपए अपनी जेब में डाल रहे हैं, किसानों के हक में आप डाका डाल रहे हैं। ऋण माफी की बात कर रहे हैं आप, आपके जो केंद्रीय बैंक है चले जाइए वहां, वहां जिन किसानों ने ऋण लिया है उनकी ऋण माफी अभी तक नहीं हुई है। आज ही एक किसान मेरे पास आया था, वो भटक रहा है। बेरोजगारी की बात ये बताने की जरूरत नहीं है कि विधानसभा में कुछ कहते हैं और पोस्टर कुछ लगाते हैं, और आत्मानंद स्कूल में हम देख चुके हैं, आपने आत्मानंद स्कूल बनाया, ये 2 आत्मानंद स्कूल को अच्छा करने के लिए आपने ग्रामीण क्षेत्र के 200 स्कूलों से टीचर जो है वहां भर दिए, कंप्यूटर आप वहां ले आए, वहां के संसाधन आप ले आए, और गांव के जो 200 स्कूल हैं उनको आपने बर्बादी की कगार पर ला करके खड़ा कर दिया। विकास की धारा करके एक काम बता दीजिए मेरे को छत्तीसगढ़ में जिसका मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3.5 साल में शिलान्यास किया हो और उद्घाटन भी उन्होंने किया हो, लेकिन मोदी जी की देख लीजिए, जिसका शिलान्यास मोदी जी करते हैं उसका उद्घाटन भी मोदी जी करते हैं। रविंद जी, क्या वाकई वाकई ऐसा कुछ भी काम सीएम भूपेश बघेल की तरफ से नहीं किया गया है, कोई शिलान्यास नहीं किया गया? देखिए
देखिए हमारे मित्र जो है भावुकता में कुछ भी बोल रहे हैं, ये किसानों की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार के जो मंसूबे है किसान के विरोध में रहे हैं। सालों तक देश के किसानों ने आंदोलन किया तब जाके उनको राहत मिल पाई। छत्तीसगढ़ के किसानों को बीजेपी शासन काल में न ऋण माफी हुई, न ही लोगों को जितनी बोनस की आवश्यकता थी वो पूरी किया गया इनके द्वारा। ये सिर्फ बोलते में माहिर है, बाकी वास्तविकता में देखा जाए तो किसान विरोधी है बीजेपी सरकार। रमन सिंह ने अपना वादा पूरा क्यों नहीं किया, पूरे लोगों को किसानों को बोनस क्यों नहीं दिया, आज ये आत्मानंद स्कूल की बुराई कर रहे हैं, मगर ये अपने कार्यकाल में कितने स्कूलों का जीर्णोद्धार किया और नए स्कूल खोले हैं। आत्मानंद लोगों के, गरीब परिवार के लोगों के इच्छा अनुरूप स्कूल है इंग्लिश मीडियम, जो आम जनमानस की मांग थी आज पूरी हो रही है। उसमें ग्रामीण जन से लेकर शहरी क्षेत्र के गरीब परिवार के लोग अपना शिक्षा ग्रहण करके हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। ऐसे चीजों का प्रशंसा करने के बजाय बुराई कर रहे हैं, गलत बात है। इनके समय में नक्सली क्षेत्र और अन्य क्षेत्र के स्कूल लगातार बंद हुए हैं, मगर हमारी सरकार ने स्कूल को खोलने और जीर्णोद्धार के साथ नए स्कूल बनाने और नए विश्वविद्यालय और विद्यालय बनाने का काम किया है। किसानों के हित में ये बात न करें, क्योंकि किसानों को लाठी मरवाने का काम इन्होंने किया है, किसानों का अहित किया है, कभी ऋण माफी नहीं किया है। आज गाय गोबर और गुरुवे की बात को ये नजरअंदाज कर रहे हैं। तब तक ये गौ माँ का सेवा की बात करते थे, आज यदि हम गौ माँ का सेवा कर रहे हैं, किसानों का गाय गोबर की चिंता कर रहे हैं, उनकी फसल की चिंता कर रहे हैं, उनके ऋण माफी की बात कर रहे हैं, तो इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये स्पष्ट है कि इनके स्वयं के जो नेता है रमन सिंह जी पनामा और अन्य घोटाले में फंसे हुए हैं। इंदिरा प्रियदर्शनी घोटाला देख लीजिए, ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है, इसलिए ये केंद्र सरकार में बैठे हुए मंत्रियों को ये प्रदेश में ला रहे हैं। लेकिन प्रदेश के आम जनमानस और किसान भूपेश सरकार के प्रति अस्वस्थ है और आने वाले समय में ही भूपेश सरकार को पुनः सेवा का मौका देंगे। विमल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र सिंह ठाकुर जी का वक्तव्य सुन रहा, मेरा कहना है थोड़ा अध्ययन कर लें कि किसान हित ऐसी सरकार कौन है। आपके जो मुख्यमंत्री जी हैं वो लखीमपुर खीरी में 50 लाख देके आते हैं, क्योंकि वहां चुनाव होने वाला है, और छत्तीसगढ़ के किसान को कितना मुआवजा देते हैं उसकी मौत पे ये बताने की जरूरत नहीं है। किसानों पर रायपुर में, नया रायपुर में आंदोलन हुआ, लाठीचार्ज किसने किया? आप चुनाव के पहले में किसानों की मौत, आपके समय के कार्यकाल में जितने किसानों की मौत हो रही थी, आज किसान खुशहाल है, किसानों की मौत नहीं हो रही है। सुन लीजिए, के एक दो घटना को छोड़ दिया जाए तो छत्तीसगढ़ में किसान खुशहाल है। बीच में मैंने नहीं कहा, आप थोड़ा धैर्य से सुनिए, उसके बाद जवाब देना। किसान जो बैठे हैं 19 बिंदुओं का आपने वो लगा करके उनको अनुमति तक नहीं दी कि आंदोलन में बैठ सके, इतना आपकी सरकार घबराई हुई है। मुख्यमंत्री जी के मंत्रालय से 1 किलोमीटर दूर किसान की मौत हो गई, किसान 3-4 महीने धरने में बैठे रहे, और उस मांग को लेकर के जिसका चुनाव के पहले आपने आश्वासन दिया था कि सरकार आते ही हम आपकी मांग पूरा करेंगे, आप यहाँ 2-3 दिन धरने की बात कर रहे हैं, आप भूल गए, बल्कि पंजाब के किसान 1 साल तक धरने में बैठे थे। धरना तक जो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो आंदोलन नहीं, आप गलत हो रहे हैं, आपने लाठी चलाई, लोगों की मौत हुई, किसानों को आत्महत्या करना पड़ा। आप पंजाब से हरियाणा के किसानों की स्थिति आपसे छुपी नहीं है, दिल्ली में दुर्दशा था, 1 साल तक सड़क पे बैठे हुए थे किसान, उस समय कहाँ थे केंद्र सरकार के लोग, आप कहाँ थे बीजेपी के लोग, डंडा बरसा रहे थे, लोगों का जीना मुश्किल कर दिए थे, रोड में आत्महत्या करने के किसान मजबूर हो गए थे, और एक दूसरे के ऊपर आरोप। आज यूपी में चुनाव था तब किसानों को राहत दिया गया, किसानों की बात सुनिए, यदि यूपी और अन्य प्रदेशों में चुनाव नहीं होता तो शायद आप उन किसानों की बात भी नहीं सुनते। ऐसे में बीजेपी चाहती है कि वो भी अपने आप को मजबूत करें, और जिसके चलते केंद्रीय मंत्री लगातार दौरे कर रहे हैं, तो आपसे हम जानना चाहेंगे फिलहाल ये कितना फायदा दे पाएगा बीजेपी को? नहीं है, किसानों और आम जनमानस बेरोजगारों का यही कभी नहीं सोचते। जी के शर्मा जी, मेरा सवाल आपसे था।
जी निश्चित रूप से मैं पहले ही कहा कि जिस तरह से दौरे कर रहे हैं तो ये तय है कि भाजपा जो है केंद्रीय नेताओं के जो उनकी है कि 8 साल से केंद्रीय मंत्री प्रधानमंत्री हैं तो उनके पास भी संख्या और 15 साल से इनके पास भी वरिष्ठ नेता जो 15 साल तक मंत्री रहे उनकी भी एक जिम्मेदारी रहेगी उनके आप टिकट दें चाहे संगठन में उपयोग करें ये अलग विषय है। इनके पास कोर ग्रुप है 16 लोगों का जो कोर ग्रुप बना है जिसमें रमन सिंह के लेकर के मतलब बहुत सारे नंदकुमार साय विष्णुदेव साय ऐसे नेताओं की कमी नहीं है भाजपा में। ये है कि कार्यकर्ता और नेताओं के बीच सामंजस्य कितना होता है और जनता में कितना विश्वास ये जीत पाते हैं ये महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता तो इनके पास भी है लेकिन एक सामंजस्य की बात आ रही है कि उनके पास है कि नहीं। अब केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं तो उनको कितना स्वीकार होती है। छत्तीसगढ़ में जो योजनाएं चली है ग्रामीण क्षेत्रों में और भूपेश बघेल जिस तरह आक्रामक रूप अपनाए हुए हैं तो देखना है कि एक अच्छा चुनाव में कहना छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा कि जिस तरह से भूपेश बघेल काम किया है और उनके राष्ट्रीय छवि जो बनी है छत्तीसगढ़ को लेकर के बहुत सारे जो केंद्र के छत्तीसगढ़ को जो पुरस्कार भी मिला है और उत्तर प्रदेश में देखेंगे कि भूपेश बघेल को जिस तरह कांग्रेस ने हाईलाइट किया वहां पे और छत्तीसगढ़ मॉडल की जो बात देश भर में चली है तो उसके मुकाबले में और जो भाजपा जब यहां पे आएगी तो 71 विधायक से कहां तक पहुंचती है भाजपा ये एक महत्वपूर्ण रोचक चुनाव रहेगा यहां पे। जी के शर्मा जी लेकिन जिस तरह से सीएम भूपेश बघेल लगातार कनेक्ट कर रहे हैं लोगों से ऐसे में बीजेपी को भी अपनी नीति में अपनी स्ट्रैटेजी में कुछ ना कुछ बदलाव करना होगा। भाजपा जो है संगठन को लेकर है कार्यकर्ताओं को लेकर है उनके अपने कार्यकर्ताओं को कितने विश्वास में लेते हैं उनके नेताओं के प्रति जो था लगातार 15 साल सरकार में रहने के कारण जो निगेटिव जनता के बीच छवि बन गई थी उनको कितना दूर करके फिर से जो लोगों को जोड़ करके कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की बात आ रही कितने नए चेहरे को देते हैं लोकसभा की ओर से कितने वरिष्ठ देते हैं और हार का क्या पैमाना तय करते टिकट देते समय 20,000 देखते हैं 2023 के लिए क्या जीत का मंत्र दिया जाता है केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद खबरें जारी हैं।